बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब अकील। डियर ऑडियंस, आज की इस एपिसोड में, अभी कुछ देर पहले मैं फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे एक जानने वाले, मेरे कॉलीग भी रहे हैं, उन्होंने की जो है वो फेसबुक के ऊपर मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें उन्होंने क्वेश्चन किया था कि राफ्ट आईडी क्या है और ये जो राफ्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ये पाकिस्तान में किस तरह से काम करेगा, इसके क्या बैकग्राउंड थीम है, इसके बारे में अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में गाइड कर दें। तो फ़ौरन मेरे जहन में आया कि कुछ अर्सा पहले मैंने अपनी जो SBL की एप्लीकेशन थी, बैंकिंग एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके मैंने अपडेट किया तो उसके मेन स्क्रीन इंटरफेस के ऊपर मुझे राफ्ट आईडी का जो है वो एक मुझे टर्म मुझे नज़र आई। तो मैंने फौरी तौर पर उसको एक्सप्लोर किया और दिस वाज केम टू इन टू माई नॉलेज कि राफ्ट आईडी जो पेमेंट सिस्टम है ये किस तरह से काम करेगा और इसकी बैकग्राउंड थीम क्या है। तो मैंने सोचा कि इसी सिलसिले में मैं एक एपिसोड बनाता हूँ ताकि आप तमाम लोगों को राफ्ट आईडी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उन तक पहुँचा सकूँ। डियर ऑडियंस, अभी तक हम जो बैंकिंग सेक्टर में जो बैंकिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसमें जब हमने किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करनी होती है तो उस पेमेंट के ट्रांसफ़र करने में हमें उस पर्सन को एज अ बेनिफिशरी अपने पास ऐड करना पड़ता है। अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जाके हमें उसके पूरे पर्टिकुलर्स लिखने पड़ते हैं कि उसका नेम क्या है, उसका निकनेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, और इवन हमें उसका अकाउंट नंबर वहाँ पे राइट करते हुए, मतलब अच्छा खासा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है कि आप एक तरफ जो है उसका अकाउंट नंबर पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ वहाँ पे जाके आप उसको ऐड कर रहे हैं, गलती का अंदेशा है आपको, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने किसी से पैसे मंगवाने हैं तो डेफिनेटली आपको अपना ब्रांच कोड बताना पड़ता है, आपको अपना जो अकाउंट नंबर है जो कि 14 डिजिट्स के करीब होता है, 12 से 14 के दरमियान होता है, आपको वो अगले बंदे को बताना पड़ता है कॉल के ऊपर। तो ये मतलब हर बंदा याद नहीं रख सकता। मुझे याद है कि मुझे अपना प्रीवियस SBL का जो अकाउंट नंबर है वो याद था, लेकिन करंट SBL के अकाउंट मुझे ज़ुबानी याद नहीं है। और हर दफ़ा जो है वो पहले तो SBL जो है वो स्क्रीनशॉट अलाउ कर देती थी, अब वो भी अलाउ नहीं करती, तो मुझे जो है ना वो बार बार स्विच करके दो स्क्रीनों के दरमियान अपना जो अकाउंट नंबर एक जगह से देख के दूसरी जगह पर मैसेज में टाइप करके अगले बंदे को भेजना पड़ता है। इसी तरह से जब मैं किसी से पैसे मंगवाता था, आल दो कि वो ट्रांजेक्शन फौरी हो जाती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम, बट समटाइम्स वो थोड़ा बहुत टाइम ले लेती है, सिस्टम एरर आ जाता है किसी वजह से, वो पेमेंट जो है वो 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद 6 घंटे बाद जाके हमारे अकाउंट में अपडेट होती है, जबकि वहाँ से अगला बंदा हमें जो है वो रसीद भेज देता है कि मैंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं या आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए हैं। जब हम बैंक कॉल करते थे तो बैंक कहता था जी इसके लिए 24 आवर्स का टाइम है, 24 आवर्स के बाद आपकी कंप्लेन हम लॉन्च करेंगे कि आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए। तो बड़ा एक मतलब मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहने का जो है, या मेंटली तौर पे स्ट्रेस रहने का जो है मैकेनिज्म होता था। तो राफ्ट आईडी से हमारी ये सारी की सारी चीज़ें जो कि एक कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर, ऑल दो कि हम इसको भी डिजिटल बैंकिंग कहते हैं, इसके अंदर जो हमें फेस करनी पड़ती हैं वो उससे सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। आपका मोबाइल नंबर ही आपकी राफ्ट आईडी होगा, ठीक है। आप अगले बंदे को बताएंगे जी ये मेरा मोबाइल नंबर है और इसके ऊपर आप जो है मुझे कैश ट्रांसफ़र कर दें, या अगर आपने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो अगला बंदा आपको अपना मोबाइल नंबर बताएगा और बताएगा कि दिस इज़ माय राफ्ट आईडी और आपने इसके ऊपर मुझे कैश ट्रांसफ़र करना है। तो आप सिंपली वहां पे 2-3 क्लिक करने के बाद, सिंपली उसका मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद, आप जितने भी पेमेंट चाहेंगे आप उसके अकाउंट में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो राफ्ट आईडी का बेसिकली जो बैकएंड पे थीम है वो यही है कि आपको ये जो कन्वेंशनल जो अकाउंट नंबर लिखने पड़ते थे, याद रखने पड़ते थे, ठीक है, इवन आपने चेक भी अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है तो आपको पूरे पर्टिकुलर्स लिख के बताने पड़ते हैं, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरे पर्टिकुलर्स है। आप इन फ्यूचर, नियर इन फ्यूचर कहूँगा मैं इसे, ऑल दो के तमाम बैंकिंग सेक्टर्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया है, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर अपडेटेड है, लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी कौम है हम चीज़ों को समझने में, चीज़ों तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। तो एनी हाउ जितना भी उसमें टाइम लगेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम जारी से पता है ग्रेजुअली लोग इसके ऊपर शिफ्ट होंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो, मतलब मेरे जानने वाले बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जिनके पास अभी भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है और उनको मैं इस तरफ, मतलब उनको कन्विंस किया है कि यार आप इन झंझट से बाहर निकलें, अपने जितने भी ट्रांजेक्शन आपने करनी है, बिल पेमेंट है, फंड्स ट्रांसफ़र है, आपका अपने मोबाइल के ऊपर अपने टॉप अपलोड करना होता है, ये सारे काम आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो खैर इसकी तरफ आने में थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा और इन नियर फ्यूचर ये भी सुनने में आ रहा है कि राफ्ट आईडीज जो हैं ये तमाम के तमाम जितने भी बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स हैं उनके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। आपने जो भी पेमेंट करनी है आप सिंपली अगले बंदे से उसकी राफ्ट आईडी पूछेंगे और अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, अपने मोबाइल के इंटरफेस से आप क्या करेंगे उसके अकाउंट में उतने पैसे जो है आप उसके ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी ये डिजिटलाइजेशन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है, ठीक है।
तो ये बेसिकली इसका बैकएंड पे थीम था कि आप एक आईडी के ऊपर, एक मोबाइल नंबर के ऊपर अपना जो फंड्स ट्रांसफर है, कैश ट्रांसफर, वो करवा सकते हैं। वंस अगेन सेम लाइक क्या, जैसे आप जायज कैश इस्तेमाल करते हैं या इजी पैसा करते हैं, बट वंस अगेन उसमें भी कुछ हमारे पास क्या है, डिलेज आ जाते हैं। पेमेंट 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जाके कन्फर्म होती है, फिर अगले बंदे के पास जाती है। अगर तब तक ट्रांसफर नहीं होती तो कंप्लेंट लॉन्च करने में 24 घंटे का टाइम दरकार होता है। लेकिन ये जो पेमेंट मैकेनिज्म है, इसको इंस्टेंट पेमेंट मैकेनिज्म का नाम दिया गया है, जिससे आप फौरी तौर पे विद इन सेकेंड्स आपकी जो पेमेंट है वो एक आईडी से दूसरी आईडी के ऊपर जो है वो भेज दी जाएगी। लेकिन शर्त क्या है कि अगले बंदे के पास भी राफ्ट आईडी होनी चाहिए और आप भेजने वाले हैं, आपके पास भी राफ्ट आईडी होनी चाहिए। तो ये आज की एपिसोड थी, मैं उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप लोगों के लिए। इसके बारे में जो भी नेक्स्ट अपडेट होंगी राफ्ट आईडी के हवाले से, कि ये कहाँ कहाँ पे इंप्लीमेंट हो रही है, ये आईडी बनाने का तरीकाकार क्या है, उसके लिए भी मैं अलग से कोशिश करूँगा कि एपिसोड बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग बआसानी घर बैठ के अपनी जो आईडी है वो बना सकें। एक नए एपिसोड के साथ ये मेज़बान आपकी खिदमत दोबारा से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।